अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हमारे चैनल पे। आपको खुश आमदीद है डिसेंट गॉसिप पे। जैसे कि आपको मालूम है, पीएसएल चल रही है और पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन में आज मैं हूँ अहमद फराज, और मेरे साथ हैं मिस्टर मुबशिर खान और मिस्टर बिलाल। मुबशिर खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वेटा ग्लेडिएटर को और मिस्टर बिलाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची किंग्स को। तो हम इनके पास भी जाएंगे, इनके तासरात लेंगे, इनकी टीम की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आज कैसे खेलना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा मैच के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, पॉइंट टेबल पे क्या पोजीशन है वो देखेंगे, और फिर हम चलेंगे मैच की तरफ। अभी टॉस होने में 15 मिनट बाकी हैं, तो चलते हैं बात करते हैं मुबशिर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जैसा कि अहमद भाई ने आपको बताया कि क्वेटा के, मैं क्वेटा को सपोर्ट कर रहा हूँ, और क्वेटा जो है हमारा, हमारी टीम ने पहला मैच जीता है और दूसरे में थोड़ा ये है कि वो हार गई थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम जो है नेक्स्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी, और कोशिश यही है कि आगे मजीद अच्छे से अच्छा वो खेलें। एंड ये थे हमारे साथ मुबशिर खान जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनके तासरात आपने लिए, जिस तरह के पहला मैच अच्छा जीते, आजम खान की 50 थी, दूसरा मैच हार गए, अभी कह रहे हैं कि कराची किंग को हम हरा के पॉइंट टेबल पर अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे। तो हम चलते हैं बिलाल भाई के पास, उनसे पता करते हैं कराची किंग के बारे में, उनके क्या ख्याल है, कैसी स्ट्रेटजी है उनकी, क्या टीम में आज चेंजेस होने के चांसेस हैं। चलते हैं बिलाल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम अहमद भाई, क्या हाल है, ठीक है? जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहला मैच जीत चुके हैं और अब भी इंशाल्लाह जो है ना, वो आज भी क्वेटा को हरा के तो हम हैट्रिक पूरी करेंगे, और लास्ट जो पीएसएल थी उसमें भी हम लोगों ने क्वेटा को दोनों मैच हराए थे, और आज का मैच भी हरा के तो हैट्रिक कम्प्लीट करेंगे और पॉइंट टेबल पर अपनी पोजिशन मुस्तकम करेंगे। और उम्मीद है कि ये जो टीम है ये पूरी चलती रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और तो गाइस जैसे कि अपने हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन दोनों बिलाल भाई के और मिस्टर मुबशिर के तासरात सुने, दोनों अपनी टीम को बेस्ट विशेष पेश कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि क्वेटा जीतेगी, और ये कहते हैं कराची किंग जीतेगी। आज का मैच बहुत सनसनीखेज होने जा रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी चलते हैं मैच की तरफ, मैच का टाइम हो चुका है, मैच के बाद हम आफ्टर मैच रिव्यू करेंगे, हमारे एक्सपर्ट यही होंगे, साथ हमारे और एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, तो हम देखेंगे कि मैच में क्या खामियां थी, क्या कुछ गुड पॉइंट थे, क्या किया ऐसा, कौन सी टीम जीती, और मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, क्यों दिया गया, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। आपने क्या करना है, आप हमें अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताएं आज के मैच के लिए। कराची आपकी फेवरेट है या क्वेटा आपकी फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट पोस्ट मैच आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी कराची किंग जो है वो टॉस जीत चुकी है।